गब्बर सिंह, जय मगैम्बो, जय फूलन देवी, जय शकाल। ए सुनो रे, आज तुम जैसे फंटर लोगों की वजह से अपुन का बेटा जग्गू जग्गू दादा बन गेला है। आज अपुन के बेटे की डॉन अभिषेक की खुशी में ये सारे लड्डू ले जाकर चिल्लर गुंडों में बांट दो और थोड़े पढ़े लिखे गुंडों में मटन काट काट के बांटो। दोनों कमसिन कलिया मिलकर बकरे को हलाल कायको कर रही है। अरे अपुन का बेटा दहशत फैलाने लायक जो हो गया है। ले 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 ले, डॉन बनने का आशीर्वाद ले ले, तेरी नजर लग जाए सबको, तेरे को इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने का है। इतना बड़ा कि कोई अब तक नहीं बना हो, ये जितनी भी फोटो टंगी है यहाँ पर उनसे भी बड़ा। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं इंटरनेशनल डॉन। अरे समझ गया ना, इतना ही काफी है। जरूर बनेगा मम्मी जी, मेरे जग्गू में क्या कमी है। नजर बटू दे दे। हाँ मजनू, हाँ अच्छा, आ रहे लाए माँ, अपन काम सलटा के अभी आता है। हाँ, ओके हाय, नजर ना लगे। गुड नाइट ब्लेसिंग। ए सुन रे चंपा, आज न तू इसके डॉन बनने की खुशी में हिल हिल के मस्त नाचना। मम्मी जी, जग्गू के डॉन बनने की खुशी में मैं उस डांस फ्लोर पे आग लगा दूंगी। अब उनके जमाने में मेरे एक एक ठुमके पे 100 का कड़क नोट आता था। जा आज तू भी जा, ठुमके लगा के 2,000 के नोट कमा के ला। पुष्पा, ओ मां गया सरकारी टीवी। कहिए ना ससुर जी, क्या ख्वाब देख रही हो? जानते हो तुम, ये बार में डांस करने वाली लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। काहे नहीं बन सकती बोलिए? पहले इस घर में 2-2 बार डांसर हैं और अगर ये भी आ गई, इस घर को डांस बार बनाकर मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इस कॉक से जनाए उसे, याद रखना तुम्हारे मरने से पहले उसे इंटरनेशनल डांस बना के रहूंगी। अगर अपने बेटे की जिंदगी संवारनी है और इस घर को स्वर्ग बनाना है तो किसी सुशील संस्कारी लड़की को ही इस घर की बहू बनाना होगा। ए चुप कर बुड़बक, लकी ड्रा मैंने निकाल लिया है। चंपा इस घर की बहू बनेगी। चंपा के लिए जग्गू, जग्गू के लिए चंपा, मेरे बचपन में मैंने सोच लिया था। बहू, इस घर का मुखिया मैं हूँ, क्या मेरी बात की कोई इज्जत नहीं यहाँ पर? ये वीरू कहाँ गया? वीरू, तुम माँ नहीं बाप के नाम पर। अरे टपक जाएगा, अजीब वसीयत लाओ। बाबा, दद्दू काय को लेटे लाए? एंजियोप्लास्टी हुई है, इन्हें हार्ट अटैक आया था। दद्दू, दद्दू, चल बाहर वेट करते हैं। कितना लेटेगा? मां कसम, हार्ट अटैक तेरे को आया, हार्ट बीट अपुन की रुक गई। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या बात कर रहा है दद्दू, 75 की उम्र में तू नोबॉल पे रनआउट होना चाहता है? सेंचुरी मारकर ऊपर जाने का ना बिड़ू। 100 साल ही क्यों बेटा, मैं 1,000 साल जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इज्जत और गर्व के साथ। तू जो बोलेगा वैसे ही चोएगा, अंडरवर्ल्ड का किंग तेरे सामने खड़े ला है। सबकी फटती अपन से चड्डी गीली हो जाती है, तेरे पोते ने बहुत झंडे गाड़े हैं। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, जिस दिन लोग डर के बजाय दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे, उस दिन समझ लेना कि तुमने कोई बड़ा काम किया है। मुझसे एक वादा करो। बुलंद आवाज में बोल दद्दू। इस अंडरवर्ल्ड को छोड़ दो और एक नेक संस्कारी लड़की से शादी कर लो। दद्दू तेरा मतलब कहीं चिकनी चंपा से तो नहीं? चंपा का नाम मत उछल, मत सलाइन निकल जाएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल को तुम्हारी औलाद ऐसे रास्ते पर ना चले, इसलिए तुम ऐसी गलती मत करना बेटा। बोले तो इस इज्जतदार परिवार की लड़की जो सुंदर हो, साथ ही नेक और सुशील हो, शांत और पवित्र हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना, तब जाकर ही हमारे खानदान के माथे से यह कलंक हटेगा बेटा। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो एक इज्जत की जिंदगी जिए, यह मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। वादा करो किसी नेक लड़की से ही शादी करोगे, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। वचन दो मुझे, वचन दो बेटा, चुकू वचन दो। चुकू। 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 चुकू।
दद्दू दद्दू दिन बाद चुप सर हट्टू ये गैस के गुब्बारे तेरी हवा क्यों निकली रे? भूत को देख के डर गया। अबे भूतनी के भूत की फिल्म है, भूत ही दिखेगा ना। साले तेरा फिगर बड़ा है जिगर नहीं। नेक्स्ट टाइम कम विद मम्मी, ओके? जाने दो ना जग्गू, बेचारा फट्टू है। बेबी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अबे मजनू, अपुन ने अपने फील्ड में कितनों को टपका है? करेक्ट। सारे मुर्दे भूत प्रेत बनकर अपुन से बदला लेने आए क्या? अबे पर्दा फाड़ कर कौन सा भूत निकलेगा? देख देख। जग्गू संस्कारी लड़की भूलना नहीं। अरे क्या ओरिजिनलिटी है, पीछे वालों को भूत नहीं दिख रहा। आया था बड़ा मुझे बोलने, हो गए ना पतलून गीली। अबे गेंडे, मैंने तुमसे कहा तेरा भूत भूत सुनकर अपुन को भूत दिखाई देने लगे। जाने देना जग्गू, झगड़े में पिक्चर का क्लाइमैक्स मिस हो जाएगा। लेकिन सच्ची सच्ची बोल, तू चिल्लाया काय को? मजनू, दद्दू स्क्रीन फाड़ कर बाहर आए, यहाँ से वहाँ तक रैंप वॉक किया, फिर वहाँ तक टहलने गए, फिर स्क्रीन में घुस गए। दद्दू थिएटर में रैंप वॉक कर रहे थे? हाँ भिड़ू। जग्गू ऐसा नहीं होता। देख दद्दू अभी अभी ऑफ हुए है ना, लेकिन तेरे दिमाग में अभी भी ऑन है ना, इसीलिए तेरे को उनका भूत नजर आ रहा है। तू सच बोल रहे ले? जानता है जब मेरा बापू ऑफ हुआ था ना, तो मेरे को भी वो चारों तरफ नजर आता था। मैं जरा डर निकाल के आता हूँ। बाथरूम में भूत नजर नहीं आते? ये तद्दू है या उसका भूत या फिर अपना वहम? साला मन करता है कि अपना सर फोड़ दो। मजबूत दीवार ढूंढ लो, दोनों साथ में सर फोड़ेंगे। ने मुझसे वादा किया था कि एक सुशील संस्कारी लड़की से शादी करोगे। सीसीटीवी बन के एक महीने से आगे पीछे घूम रहा हूँ और अभी भी तुम उस चमक छलो चंपा के साथ घूम रहे हो। ए देड़ शाने, ये बता तो कौन से ग्रुप का आदमी है जो मास्क पहन के आया है? काय को दांत फाड़ रहे ले रे? मरे हुए को कोई मार सकता है? अबे टीपी मत कर, ठोक डालूंगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा दादा ही हूँ। बेटा मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। जब तक तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही परेशान करता रहूंगा। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ तू ही मुझे देख पाएगा और मेरी आवाज सिर्फ तू ही सुन पाएगा। हाँ जग्गू, क्या हुआ? कौन है? कौन तेरे पे अटैक किया? ठोक दूंगा सारे को। चले सामने आ। कौन था वो? दद्दू। दद्दू गैंग का आदमी, साले बाहर निकल तेरे। ए, अब उनका दद्दू था रे। फिर से दद्दू यहाँ भी दिख गए क्या? अभी तो थिएटर में तेरे को ऑफ और ऑन का ज्ञान दिया था अपन ने। अबे तेरे को मैं येड़ा लगता हूँ? सच बोले तो मेरे को ये पक्या गैंग का साजिश लगता है। मैं तो बोलता हूँ उनसे मांडवली कर लेते। दद्दू चाहता है कि आप उन संस्कारी लड़की के साथ सुहागरात मनाए। सट केला। फिर से दद्दू की रट। ए बुलबुल, वर्मा किधर है? अभी तक आए नहीं। अभी तक आया नहीं, चल वेट करते। जग्गू ज्यादा ढील दे रखी है तूने इसको, कलेक्शन के लिए अपन को ही आना पड़ता है। जग्गू इतनी बार बुलाने पर भी वो पैसे देने आया नहीं, आज आएगा तो उसकी केस लेना। तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ के अपने फेफड़े चला, हम उठा के लाते हैं उसको। चलो रे। जग्गू हाँ?
ये तू ओरिजिनल है क्या? हाँ भैया मैं ही हूँ। ऊपर कोई बार डांसर मिली नहीं जो वापस आ गया? जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये वसूली का धंधा छोड़ दे और लड़की को ढूंढने पर फोकस कर। किसी संस्कारी लड़की के साथ साथ फेरे ले ले बेटा। मर के भी दादागिरी नहीं छूटी। जग्गू भाई इस बार 500 के नहीं 2000 के नोट हैं। सॉरी अपने पास। क्या कर रहा है? 500 के नोट बंद हो चुके हैं। मेरा दद्दू आया था गेस्ट अपीयरेंस देने। दद्दू यहाँ भी आए थे? टेंशन मत ले, हम 2000 के नोट लाएंगे। ए सुन, हाँ भाई को डांस बार लेके जा, पिलाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पिच एकदम सुन, आज मैच चल रहा है इसलिए वसूली करने जाना भूलना मत, समझा? और ये पकिया गैंग का बहुत नाटक चल रहा है, नजर रखना पड़ेगा उनपे। अरे छक्का मारा देख। यस। हाँ सुन, अश्विन पे मेरी 3 पेटी लगा दे, आज पक्का 5 विकेट चिपकाएगा वो। जग्गू आज बैटिंग का मूड नहीं है, चल निकल। मैं हूँ तेरा दद्दू। तेरे को सामने कौन दिख रहा है? कौन मतलब? दादा है। दिखा ना, अब मेरी बात पे यकीन हुआ ना? अरे इसमें यकीन होने वाली कौन सी बात है, सामने दिख रहा है ना दादा, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री दे रहा है? तो किस दादा की बात कर रहा है? बंगाल टाइगर सौरव दादा। सौरव दादा नहीं, अपने शंकर दादा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को सामने दिखाई दे रहा है वो। क्या दद्दू? बोले टेबल के ऊपर योगा कर रहे हैं। टेबल के ऊपर? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। जब से जग्गू दादा के दद्दू गए ये तो सटक ही गए। भाई गिरी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आंखों का इलाज कराओ, अंधे कहीं के। चलो दद्दू को ढूंढते हैं। कहाँ है दद्दू? कोई भी चल गरी होंगे। टेबल के नीचे देख, कोई नहीं है। होंगे तो दिखेंगे ना। भाई का दिमाग सड़क गया, बोल रहा हूँ। अरे कहाँ? यहाँ भेजा फ्राई हो गया तेरे को मस्त। क्या हो रहा है ये? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? अगर सच में कोई भूत भूत निकला तो मम्मी। मैं हूँ बुद्धू, तुम्हारा दद्दू। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। एक संस्कारी लड़की से शादी करो,